जय 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 शिवाजी। हर हर महादेव। हर हर थोड़ा सा दो शब्द बोल दीजिए जी। अनिल भाई प्लीज एक सेकंड, मैं इसे एक पॉइंट जो रह गया, आज हमारी जो अभिनेत्रियां अदा वो भी आना चाह रही थी और वो बहुत उत्साहित थी यहाँ आके आप सबसे मिलने के लिए, लेकिन उनके बिल्डिंग में उनके करीबी रिश्तेदार के यहाँ एक दुखद प्रसंग होने की वजह से उन्हें लास्ट मोमेंट पे बैकआउट करना पड़ा। तो उनका ये कहना है कि आगे कोई एक कार्यक्रम में वो आप सभी से मिलना ज़रूर चाहेंगी और आप लोगों से संवाद करना चाहेंगी, तो मैं वो मनोज भाई के साथ प्लान करके वो ऑर्गेनाइज करूँगा ताकि आप सब उनको मिल सके और आपके दिल में जो भी बातें हैं वो उनसे शेयर कर सके। उतारती हुई ये सारी भावना अनिल जी ने दी है। अपनी भावनाओं को दर्शाती और एक पेंटिंग लाई है, तो अच्छी पेंटिंग है अन्य विपुल भाई जी को अनिल भाई, साथ साथ में निर्देशक साहब के लिए भी एक पेंटिंग है और सह निर्माता साहब के लिए भी एक पेंटिंग है। तो अनिल भाई जी गृहस्थी बसाना ये उद्देश्य में, क्योंकि उसने गाय मारी गौरीताई अपनी रायगढ़ अलीबाग पंगली क्षेत्र में सक्रिय है, लव जाति अनेक बहनों को उन्होंने पुनर्शलाया है, साथ साथ में और एक परिचय तो एक रील में और एक रियल में दोनों का भी यहाँ पर संगम हो रहा है। तो धन्यवाद हमारी यहाँ पर इंजीनियरिंग करता है युवक, इस युवक का सत्कार इसलिए विशेष रूप से, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और एक इस विषय को देश के सामने लाना कितना जरूरी था, ये इस फिल्म की रिलीज के बाद ऑलमोस्ट रोज ही हमें कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। दो दिन पहले दिल्ली में एक बहुत भयानक हादसा जो हुआ साक्षी नाम की लड़की के साथ, तो जो साहिल जो कि अपराधी है उसको मैं किसी धर्म या किसी जाति से नहीं जोड़ता, मैं उसको सिर्फ टेररिस्ट कहता हूँ और ऐसे हर टेररिस्ट को एक्सपोज करके उसे सजा दिलवाना ये हम सबका एक फर्ज है। यही कोशिश हमने इस फिल्म के थ्रू की है, हम ना किसी मजहब ना किसी जाति के अगेंस्ट हैं, पर हर साहिल जो साक्षी के साथ जो करता है उसके हम अगेंस्ट हैं और रहेंगे। सो हम सब अपना काम करते रहें, थैंक यू वेरी मच। कि ये फिल्म में जब फिल्म फर्स्ट हाफ खत्म होता है बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट में खत्म होता है, तो मुझे मालूम है हम लोगों की बात आप अभी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, विपुल सर बॉम्बे में रहते हैं, आशीन बॉम्बे में रहते हैं, आप लोग फिल्म देखिए, कोई भी सवाल है बात करना है हम लोग बाद में बात। और
दिया जाए है ही जाए उसी में भी पढ़ा रहे और इसके बारे में जो है सबको सामने टॉपिक विच रिक्वायर्ड अटेंशन एंड टाइम टू टू राइट और उस चीज़ को आगे पूरी तरीके से पढ़ देखिए बात यह है कि हमारे पास सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू और अलग अलग माध्यम से खबर आता है जैसे कि वेस्ट बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया लेकिन नॉर्थ बंगाल से लोग सिक्किम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए आसाम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए पास भर के और इसमें आम लोग अपने पैसा इकट्ठा करके तीन तीन घंटा बस जर्नी करके जा रहे हैं वहाँ पे रात शो देखने के बाद होटल में रह के आ रहे हैं मतलब इससे ज़्यादा हम शायद और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो खिलवाड़ चल रहा था हमारे देश में बच्चियों के साथ ये एक्सपोज होने के बाद कुछ लोग हमारे ऊपर खफा है कुछ लोग मेरी आंखों का कीमत लगाया कुछ लोग को रस्ते में फांसी डालने के लिए बोला है तो हमें लगता है कि कुछ अच्छे काम किए हैं हमने इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है तो जैसे कि सर ने बोला अभी तक हमारे हिसाब से 5 से 7 करोड़ लोग देख चुके हैं मतलब 5 से 7 करोड़ आशीर्वाद 5 से 7 करोड़ प्यार हमारे पास है तो ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होता है हमें लगता है कि हम ये लड़ाई को लड़ते जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश की मुद्दा नहीं है ये पूरे दुनिया की मुद्दा है और पहले बार हमारे देश के ये जो दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था हम सही मायने में उसमें शामिल हुए जो जिम्मेदारी भी आए हमारे पास क्या